नमस्कार, हम हैं राकेश कुमार, रहुआ देख रहा बनी फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। आज के सबसे अहम खबर जनबा ये पटना से आ रहा बा। अब मामला का बा कि ऐसे भी भ्रष्टाचार जे बा उसे पूरा पट गल बा समाज, आ यही से जुड़ल ही समाचार भी बा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आज एगो कार्यपालक अभियंता मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घर पर छापेमारी कलक, जहाँ लगभग 1.5 करोड़ के संपत्ति मिलल। अब एक पूरा जानकारी हम देवे के चाहतनी कि ये बण है हाजीपुर में पदस्थापित पड़न पुल, हाजीपुर में पदस्थापित बण पथ निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता का रूप में, इनका नाम है रविंद्र कुमार। इनका पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बहुत दिन से नज़र रख ले रहा, चूँकि आय से अधिक संपत्ति के मामला इनका पर चलत रहा, एकर साक्ष्य जुटावत रहा अन्वेषण ब्यूरो। जब साक्ष्य मिल गए तो आज इनका घर पर, पटना में इनका घर बा पुनाई चक में छापेमारी कल। छापेमारी में 60 लाख रुपया नगद मिलल बा, जेवर बड़ी मात्रा में मिलल बा, ओकरा अलावे लगभग 8 से 10 गो जमीन के कागजात मिलल बा, ओकरा अलावे भी बहुत सा कागजात मिलल बा। मतलब कि अभी जे अंदाज बा वही बा कि कम से कम 1.5 करोड़ के मामला सामने बा। अब देखिए कि इनकर ट्रांसफर भी हो गए, रहन पथ निर्माण निगम में हाजीपुर में पदस्थापित, लेकिन वही कार्यपालक अभियंता के पद जे बा वही स्तर का पद पर इनका ट्रांसफर हो गए रहा, आ यही 22 जून 2021 के इनका ट्रांसफर भे रहा। आ इनकर ट्रांसफर भे रहा बिहार स्टेट रोडवेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, लेकिन ओकरा पहले ही साक्ष्य जैसे जुटल अन्वेषण ब्यूरो छापेमारी कैलक, आ छापेमारी में इनका घर पर जे बा से 1.5 करोड़ के संपत्ति मिलल है। आ अभी हो सकता कि इनका हाजीपुर के जो आवास बा, जो कार्यालय जहाँ ये पदस्थापित रहा है, वहाँ भी छापेमारी हुई, लेकिन अभी तक के ये स्थिति बा। पैसा इतना रहा कि अंत में ब्यूरो का नोट गिने वाला मशीन मंगावे के पड़ल, आ उसे जब से पैसा के गिनती भेला। वहाँ के जो DSP बने, अन्वेषण ब्यूरो के DSP बने सर्वेश सिंह, इनके नेतृत्व में ही छापेमारी कल गया। रो याद हो एक आधे महीना पहले तो मुजफ्फरपुर के DTO रजनीश लाल के यहाँ भी छापेमारी भे रहे, उनको यहाँ करोड़ों के माल मिल रहे। तो कहे का मतलब ये बाकी छापेमारी होता धरा था लोग, लेकिन वे बा जो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, मतलब भ्रष्टाचार पर कहीं रोक लगे वाला नहीं के, पैसा के इतना जेबा से ये लोग लालची हो गए। खैर अब देखी बिहार के राजनीति तो हुआ देखिए रहा बानी कि पिछला कुछ दिनों से एकदम गर्मा गया बा। अब यही में दल बदल के भी कारोबार चालू हो गए। रुआ याद हो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो वही समय वो कहले रहस जे बिहार में जेबा से जदयू के सबसे मजबूत पार्टी बनावे के बा, आ जे लोग जदयू से बाहर चल गए बा या जदयू से प्रभावित बा उ लोग के पार्टी में ले आवे के बा। वही क्रम में रुआ याद हो कि पिछला दिनों भगवान सिंह कुशवाहा फिर वापस जदयू में चल अलन, ज्वाइन कर लें, आ फिर आज ज्वाइन करे के बाद दूगो नेता का, एगो राजद से के नेता रहल बड़न आ एक आदमी कांग्रेस के रहल बा। राजद के जे नेता बड़े ये 5 बार विधायक रह चुकल बड़े, आ मंत्री भी रहल बड़े राजद का सरकार में, ये खान मंत्री रहस, इनका नाम बा मुनेश्वर चौधरी। लेकिन पिछला बड़ा दफा 20 का जो विधानसभा चुनाव भेल ओमे इनका टिकट ना मिलल, तब टिकट जब ना मिलल तो ये का कहलन जे राजद के छोड़ के चल गेलन पप्पू यादव का पार्टी में, अब पप्पू यादव के पार्टी भी छोड़ के अब जबा से फिर जदयू में आ रहा बा। अब देखिए नेता लोग के बात बहुत कही का हो, अब उनका ही कहल बा कि
उ जब से 2005 से नीतीश जी के विकास कार्य से बहुत प्रभावित रहस, वही प्रभाव का चलते जब से इतना प्रभावित बढ़े उनका से कि उ जदयू में शामिल हो रहा बढ़े और जदयू में शामिल होके उ जब से समाज सेवा करिए। अभी ले का कर बढ़े भगवान मालिक बा, उ तो जाने के बात बा, लेकिन अब जदयू में अय तब समाज सेवा उ करिए। वैसा ही देखी जो कांग्रेस के एगो नेता बढ़े राजेश राम, राजेश राम पंचायत प्रतिनिधि के जो चुनाव होले ओकरा तहत एमएलसी रह चुकल बा। आ सबसे बड़का बात ही बा कि ई चंपारण के राजनीति के प्रभावित करे वाला एक व्यक्तित्व रहस पूर्णमासी राम बेतिया के। ई पूर्णमासी राम के भाई हो, ई जवाब से ई भी जदयू के शामिल होए वाला बाड़न आज खैर। ई तो होइए रहल बा। अब देखी जब भ्रष्टाचार के जब बात हम कहनी है तो गंगोत्री से गंगा साफ निकलली आके इन्हें शहर में गंदा हो जाले, लेकिन जब भ्रष्टाचार के गंगोत्री बा ऊपर से नीचा ले सब जगह बदबू फैला रहल बा। अब देखी कि आज एगो वीडियो वायरल भेला और जब वीडियो वायरल भेला तो वीडियो ऐसा नहीं कि जे केहू भेज दिले हो, वैसा नहीं के एक सम्मानजनक जगह से वीडियो आयल बा। वीडियो के देखी वीडियो बा सात निश्चय योजना का तहत नल जल योजना से संबंधित एगो निजी चैनल कहीं या आजकल तो सोशल मीडिया बहुत तेजी से चल रहा बा, दो तीन आदमी जबा से एगो निजी चैनल बा ओकरा तहत ही लोग गिर अलग कार्यालय में आ वहाँ जाके ये लोग जब से एगो काम ई कहलक जे बात जे बातचीत होत रहे ओकर रिकॉर्डिंग ये लोग कहलक। आ रिकॉर्डिंग में साफ उ कहो रहल बा कि जल नल योजना में जितना चाहे मिल जाए लेकिन 1% जब से चढ़ावा देवे के पड़ी, मतलब घूस देवे के पड़ी। आ एमे जे ब्लॉक कर्मचारी उन जबा से 19,000 रुपया मांगत रहे सब वार्ड से, एक एक वार्ड से 19,000 रुपया मांगत रहे कि ओकरे बाद मास्टर रोल जबा से बनावल जाए। चूँकि ये योजना नीतीश जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बा आ ओकर कैसे बंटाधार हो रहा बा से देखे। अब जब ये वीडियो बनावे लागल लोग आते ज़्यादा पूछताछ जब करे लागल लोग, हालांकि वीडियो छुप के बनत रहे तो ओकरा शौक हो गया। आ जब शौक हो गया तो का कहलक जे लोकल दो चार को दबंग आदमी के बुलैलक लोग आ गेट में ऑफिस का ताला बंद करके दो तीन गो जो लड़का लोग रहे जौन सोशल मीडिया के पत्रकार बा लोग के बंधक बना लेलक। बंधक बना के लोग के जो वीडियो बा ओकरा वीडियो के डिलीट कर दिलक, नष्ट कर दिलक आ ओकरा बाद लोग के मारे पीटे के धमकी उमकी दे के छोड़ दिलक। इहो लड़का सतन तेज रहा, एकनी का तुरंत जाके साइबर वाला से जे डिलीट कर गया रहा ओकर रिकवरी करा ले लगा वीडियो के आ वीडियो अब जब से वायरल भेल। ऐसे एकदम स्पष्ट देख सकतनी एमे कि के तरह से बंदर माट चल रहा बा नल जल योजना में। आई खाली देहात में नहीं के सब जगह बा, शहर में भी वह स्थिति हो रहा बा। एक मोहल्ला में एक मेन रोड पर चल रहा बा, पता चल रहा बा जितना गली बा ओकरा के छोड़ दिलक आ बिल बन रहा बा, लगातार चल रहा बा। तो हर योजना में भ्रष्टाचार बा, लेकिन ये भ्रष्टाचार के उजागर करे के बा। आ दोसर बात कि अपने जबा से आँख खोल के रहे के बा कि ओकर शिकार हम आ रुआ ना बनी। तो बस आज इतने, फिर वही भेंट। चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करी आ हमने का फेसबुक और ट्विटर पेज के लाइक करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।